चार सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों का मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी शहीद स्मारक पर धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसको लेकर बेरोजगारों का गुस्सा फूट पड़ा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि लगता है कि अब शांतिपूर्ण आंदोलन की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती है, ऐसे में अब बेरोजगारों को भी उग्र रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए बेरोजगार तैयार हैं। सोमवार को शहीद स्मारक पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले महापड़ाव की शुरुआत की गई। टेक्निकल हेल्पर भर्ती में पदों की संख्या 6000 करने, पंचायत राज JEE भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को CET से बाहर करने के साथ ही जल्द विज्ञप्ति जारी करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देते हुए बाहरी राज्यों का कोटा निर्धारित करने या खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके साथ ही 2 अक्टूबर से प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन की शुरुआत की घोषणा भी की। महापड़ाव पर बैठे आंदोलनकारियों ने सोमवार रात भरी गर्मी में खुले में रात गुजारी। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार की ओर से साल 2019 में पेश किए गए पहले बजट में टेक्निकल हेल्पर के 6000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसके साथ ही जनवरी 2022 में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का कैलेंडर जारी करते हुए सितंबर में इस भर्ती परीक्षा की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक भर्ती की विज्ञप्ति तक जारी नहीं की गई। साथ ही भर्ती परीक्षा को भी दिसंबर में CET के साथ करवाने के आदेश जारी किए गए, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। वहीं पिछले 13 सालों से पंचायत राज JEE भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बजट 2019 में पंचायती राज JEE के 2100 पद पर भर्ती की घोषणा की थी, जिसके बाद 2100 पदों में से 539 पदों को जोड़ने के भी आदेश जारी हुए, लेकिन आज तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि सरकार घोषणा तो कर रही है, लेकिन इन घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगार परेशान हो चुके हैं। सरकार और विपक्ष जब चाहे आंदोलन करती हुई सड़कों पर उतर रही है, लेकिन बेरोजगारों को सड़कों पर उतरने का हक नहीं है। ऐसे में आज चार सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत की है और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।